बोले इसमें कोई नहीं है, फिर भी ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई है इस घर के अंदर। अंदर गई, दिखा अंदर गई, बस कुत्ते इसने अंदर बर्फ डाल दी कुत्ते ने। ये पूरा मुंसियारी सिटी है, बहुत छोटी सी जगह है मुंसियारी, और सामने बस स्टैंड है उधर जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, और हम अभी बज रहा 8:30, हम निकल रहे हैं अभी सीधे हल्द्वानी के लिए। हम पहले पिथौरागढ़ जा रहे थे, हम पिथौरागढ़ नहीं जा रहे हैं, हल्द्वानी जाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा कोई ऊपर पॉइंट है, जीरो पॉइंट, अगर वहाँ के रास्ते खुले हुए मिले हमें तब तो हम जीरो पॉइंट कवर कर पाएंगे, जा पाएंगे, नहीं तो फिर जो भी रास्ते में साइड से दिखेंगे वो कवर करते हुए चलते हैं नीचे। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे छोटे से निक्के से बराबर 007 ड्यूटी चैनल के ऊपर। साथ बने रहना, वीडियो पूरा देखना। और मैं ना आपको एक बात बताना भूल गया, अभी हम निकल रहे हैं सामान लेके, हमारा बैग और सब कुछ रेडी है। गाड़ी में एक सबसे बड़ी दिक्कत और टास्क है कि गाड़ी हमारी 7, 8, 9, 10 डिग्री टेम्परेचर तक स्टार्ट नहीं होती है। अब टेंशन हो रही है हमें, जाके बर्फ में गाड़ी से हमारी स्टार्ट होगी नहीं होगी। भाई मेरे से तो तू ट्राई कर ले। सबसे बड़ी दिक्कत है पता है, टेम्परेचर अभी 6.5 डिग्री, और कल हुई थी ये 12 डिग्री टेम्परेचर में स्टार्ट। तब तक 11 तक हुई नहीं थी, 12 डिग्री हुआ तब हुई थी स्टार्ट ये। अब पता नहीं होगी नहीं होगी। दो तीन बार हीटर ले ले नवीन, हीटर को ऑन ऑफ करके देख ले एक बार, कर एक बार और ट्राई कर। सुबह निकलते हैं ना तो जल्दी निकलें, तो हम सोच भी नहीं सकते हम निकले सूरज निकलेंगे बाद भी, तभी भी ये स्टार्ट नहीं हो रही है। हो जा पोलो, स्टार्ट हो गई गाड़ी, सेल्फ से तो हुई नहीं, धक्के मार के हुई है। नवीन ने धक्का मारा और एक पीछे भैया थे उनके धक्के से हुई है। चलो क्या टेंशन तो नहीं, वाले से भी अंकल तो चले गए थे, झूठ बोल रहा है ये, कह रहा है धक्का मैंने मारा। अबे झूठा ये, खासे तो धक्का मार लेगा ये झूठा। ढलान थी तो मैंने हल्का सा करा तो आ गया, तब जगह स्टार्ट हुई है कार ये। जिस रास्ते से आए थे ना, थल वाले रास्ते से वापस होने पर गाड़ी को टर्न करते हैं, और ये जो रास्ता जा रहा है ये पिथौरागढ़ होके जा रहा है, पर पिथौरागढ़ होके अगर हम जाएंगे तो हमें लंबा पड़ेगा, हम वापस जा रहे हैं थल। और हम ना खलिया टॉप का सोच के आए थे, खलिया टॉप जाके कुछ देख के आएंगे सीन, पर खलिया टॉप तो बता रहे हैं हमारे कमर तक की बर्फ है, मतलब 4 फीट की बर्फ है खलिया टॉप रास्ते के अंदर, तो ट्रैकिंग भी नहीं कर सकते। जैसे धूप आ रही है ना थोड़ा सा एनर्जी बन रही है हमारे में, बहुत ठंड है नहीं तो यार। रुक जा, मैं भी आ रहा हूँ दोस्तों, मिल गया। यहाँ से मैं आया हूँ ना, वहीं से आना, मेरे को स्टेप नहीं दिख रहे तेरे। भाई बर्फ में आप कभी आओ ना तो बहुत ध्यान से आना, क्योंकि ये दिखता है ऊपर की बर्फ है और इसके अंदर गड्ढे भी हो सकते हैं। वैसे तो हम ना बहुत ध्यान से तरीके से जा रहे हैं, हमारे पास ना तो कोई ट्रैकिंग के शूज है और ना ही कोई डंडे। अरे नवीन कंकाल पड़ा हुआ है भाई, बर्फ में मर गया ये तो, देख। ओ, एक घर भी है यहाँ पर, देखिए अंदर कौन है इसमें। नहीं नहीं मत उतार, मैं कह रहा हूँ मत कर, पैरों ठंड चली जाएगी। एक बार मत कर बेवकूफ, मत बन, वापस थोड़ी आएंगे, मत बन बेवकूफ। अरे रुक जा, ये मरेगा साला। मैं कह रहा हूँ मत जा नवीन, मत जा। थोड़ा सा। मत जा। बर्फ बहुत स्लिपरी है, आप कभी भी आए तो प्लीज ऐसा ट्राई मत करना उल्टा सीधा, जब हम पंगा लेने जा रहे हैं देखते हैं। मैं थोड़ा सा वापस ट्राई करता हूँ जाने का, पैर बहुत ठंडे हो गए मेरे, शूज सॉक्स में बर्फ घुस गई है। ठंड बहुत बढ़ रही है, वापस चलते हैं क्योंकि ज़्यादा ऊपर जाना रिस्क है और ठीक भी नहीं है, क्योंकि ऊपर स्नोफॉल के अंदर जो जानवर दब के रह जाते हैं, जैसे मैंने आपको कंकाल दिखाया वो सामने, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा पैर बर्फ़ के अंदर किसी जानवर के ऊपर पड़े। जो लोकल लोग हैं वो बता रहे थे कि आपको दिखती है ऊपर से बर्फ़ है, बहुत सॉफ्ट है, आप पाँव रखते हो तो आपको लगता है कि आपको
जगह मिल रही है, हो सकता है जगह नहीं भी मिले आपको और वो पाँव आपका काफी अंदर चला जाए तो इंजरी हो सकती है, पाँव में मोच आ सकती है। अब इसको हीटर चाहिए, अब हीटर चलाएगा ये पाँव गर्म करा नहीं। चले आया मजा, ठोको लाइक, ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस और दिखाएंगे आपको। सब्सक्राइब करोगे तो नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेगी। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कहते हैं सब्सक्राइब करो और लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमारे में जो एनर्जी वो डबल होती है। बेल आइकन प्रेस करोगे तो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच जाएगी। ठंडा बहुत है, बोलने में दिल की धड़कने रुक रही है, लेकिन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन, घंटे का निशान जरूर दबा। इतना कह रहा तो दबा देना यार, किया जाता है ठीक है, ज़्यादा हीटर चलाना भी नुकसानदायक है। मैं पहले ना इस वाले घर के अंदर जा रहा था, पर किसी के घर में जाना ठीक नहीं है, हो सकता है कोई है और हो सकता है कोई नहीं हो के भी कोई हो, तो क्यों पंगा लेना यार। नई जगह है और नई जगह पे आप कभी रिस्क ना लें ऐसी चीज़ों का, पता है समझ गए आप, बोले इसमें कोई नहीं है फिर भी ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई है इस घर के अंदर। पहले लड्डू बनाएंगे, एक लड्डू, दो, तीन लड्डू बहुत हैं। चलो मैं इनको ना लड्डू लेके चलता हूँ, पहले गाड़ी में रख लेता हूँ। इतना टाइट हो रहा है कि मार दूँ ना अगर मैं तो ये हिल जाए, जब कैमरा हिल गया ना ये, ठंड लग रही है, मैं रनिंग करने जा रहा हूँ। 3-4 degrees हो गए, यहाँ पर सूरज भी आ गया है और सुबह तो ना माइनस में चल रहा था टेम्परेचर, मेरे निशान लगा रहा था बर्फ का और कार पे लग गया। लास्ट पॉइंट है, हम गाड़ी पे लगा और जैसे मुझे टारगेट किया मैं हल्का सा पीछे और कैमरे के ऊपर आ गई। हम खड़े मुनस्यारी से 10 किलोमीटर ऊपर, मुनस्यारी जो जगह है वो पहाड़ों से 10 किलोमीटर नीचे है। कोई भी हिल स्टेशन होता है पहले नॉर्मली ऊपर पहाड़ी आती है, जो मेन ये पहाड़ी है जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर स्नोफॉल हुई है। स्नोफॉल हमारे कल वाले व्लॉग के अंदर, अगर नहीं देखा तो जाके देख लेना, लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, हो जाके आप सर्च भी कर लेना। ये आज 15 मार्च है और अभी स्नोफॉल होने रही है, जो ये बर्फ जो आप ये देख रहे हैं ये रात की स्नोफॉल है। तो जा रहे बस 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 भाई, उसके ऊपर मैं नहीं जा सकता भाई, बहुत ज्यादा हो गया, घुटने तक आ गई इसके अंदर, तो रिस्क है। अगर मेरे सॉक्स के अंदर रह गई तो ये पानी बन के मैं ठंडा करती रहेगी, इसको सॉक्स निकालने बहुत जरूरी है। तो मैं हूँ, चलो बाय बाय, तुम गाड़ी लेके अंदर, मैं जा रहा हूँ, चाबी दे जाओ कार की। अरे चलो यार, मैं नहीं जा रहा, मेरी हालत नहीं है, 300 किलोमीटर जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, हम अपने पोलो पे जा सकते हैं। अपन लास्ट फोटो तो खींच ले यार, आप जैसे इसने आपको बताया फोटोज तो इम्पोर्टेंट है, आप भी समझ सकते हैं। मैं एक बार ना यहाँ से रन करता हूँ इधर तक, देखो कहाँ तक जा पाता हूँ मैं। तेजविंदर रहन दे, तेजविंदर रहन दे, अबे बस यार, अब मेरी हिम्मत नहीं है, ठंडा हो गया मैं पूरा, फिर समझ तो सही। 1 2 3 बहुत सारा मेरे अंदर चलेगा बर्फ, मेरे अंदर चलेगा कपड़ों के अंदर, ठंडा हो गया मैं, पकड़ निकाल मेरे बेल्ट पे, मेरे पीछे से मेरे पॉकेट में जा रही है, है? मेरी जींस सारी गीली हो गई, कहाँ गई, अंदर गई, दिखा अंदर गई, बस कुत्ते इसने अंदर बर्फ डाल दी, कुत्ते ने, इतना कुत्ता है ये। अब हम लालच नहीं करेंगे, बिना लालच के चल रहे हैं, अब लालच बर्फ का बहुत ज़्यादा हो रहा था, फोटो क्लिक कर लें यहाँ पर, वीडियो बना लें, ठीक है मज़ा आता है, मन करता है, पर हमें डिस्टेंस भी देखना होता है यार। आप पहाड़ी पर ड्राइव करें तो आप कर सकते हैं, आप कंसंट्रेट करके करेंगे, आप ध्यान से करेंगे और अपने रास्ते पे ध्यान देंगे तो आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं। गूगल मैप पे हम जब सर्च करते हैं लगता है कि इतना ऊपर है, ज़िगज़ैग है, पहाड़ी है, बर्फ है, अगर आपको अपने आप पे ट्रस्ट है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेके आना, अब जब भी यहाँ पर आओगे मुनस्यारी मजा आ जाएगा। जो स्नोफॉल रात को इतना पेड़ों के ऊपर जम गई थी, अब जब सूरज निकला है ना तो मेल्ट होकर ना टपक रही है,
नीचे गाड़ियों के विंडशील्ड के ऊपर। एक व्यू पॉइंट और है अगर यहाँ पर देखते हैं, वो कर रहे हैं यार ये तो स्कीइंग, अरे स्कीइंग वाले मिल गए हमें यहाँ पर। घुसे नहीं है, थोड़ी बर्फ टच हुई गाड़ी के आगे। गवर्नमेंट क्लासेस है, ये हमारे लिए टूरिस्ट के लिए नहीं है। पे एसी है, इतना टाइट है ये मेरा पांव मूव नहीं कर रहा है। आपको दिखा दूं, अगर आप बर्फ में मस्ती करके आए तो आप तुरंत से अपना सॉक्स चेंज कर लें, वरना आपके पैर ऐसे हो सकते हैं। हमारा लंच का टाइम था 1:30 बजे का, हम कर रहे हैं 4:30 बजे लंच। चलो खैर हम लंच कर रहे हैं और इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ठोको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, बाय बाय। अगर तुम बर्फ में खेलोगे ना तुम्हें भी इसे नंगे पैर जाना पड़ेगा, अब ड्राइव नंगे पैर करनी पड़ेगी।